देखिए, यात्रा निकलने में किसी को एतराज नहीं, और पहले भी यात्रा निकलती रही है, अब भी निकल जाएगी, लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है। जो पीछे वहाँ हुआ वो सरकार की विफलता की वजह से वहाँ हुआ। अगर सरकार पूरी सुरक्षा का इंतजाम करती, जबकि पहला अंदेशा हो रहा था, 10 दिन से ऐसे ही हो रहा था, जो व्हाट्सएप चल रहे थे, जो मैसेजेज आ रहे थे उससे था, और उसमें मैंने स्वयं देखा है, एक CID इंस्पेक्टर ने TV पर कहा कि हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था कि हालात ऐसी, आशंकाएं हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तो सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप नहीं उठाए, और जिसके कारण से इतना हुआ। वहाँ के लोकल लोगों में कुछ नहीं है, उनका भाईचारा पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, वहाँ टकराव किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो ये है, ये भी कहा गया कि सदन में आपके द्वारा जो है ये मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट उठाया नहीं गया है। नहीं नहीं, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दे रखा है, कल मैंने उठाया था, वो पूछा था हमारे साथियों ने दिया हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमने पूछा था तो स्पीकर ने कहा कि गवर्नमेंट के पास कमेंट्स के लिए भेज रखा है, तो सोमवार को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, आएंगे। सर, एक संदीप सिंह के मामले में जो है चार्जशीट चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, चार्जशीट हुई है तो नैतिकता के आधार पर इनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या जो है मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सर, इसके अलावा आप 10 आपने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब आप कार्यक्रम में कैसे रहेंगे, यात्रा रहेगी या रथ यात्रा रहेगी? नहीं, 90 के नाम कालकों में मैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयपान जी, हम सारे हल्कों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बताएंगे। नाम भी आपने चेंज किए, विकल्प जो, हाँ, ये जो हमारा कार्यक्रम तथा विपक्ष आपके समक्ष अब हो गया विकल्प आपके समक्ष, क्योंकि लोगों ने विकल्प कांग्रेस को ही मान लिया है, हिसार ने ये साबित कर दिया, वहीं बदल दिया था, जो लोगों का रिस्पांस देख के मैंने वहीं कहा था भाई, जो विपक्ष आपके समक्ष था, आज आपने हमारे को विकल्प आपके समक्ष बना दिया। नए नाम के तहत का पहला कार्यक्रम कहाँ है? कार्यक्रम करनाल में है? नहीं, करनाल में जन मिलन का है जी। वो कई कार्यक्रम चलता है हमारे, कहीं हाथ से हाथ जोड़ो चलता है, कहीं जन मिलन चलता है, कहीं ये विपक्ष आपके समक्ष चलता था, तो ये तो विकल्प आपके समक्ष कहाँ करेंगे आप? वो तो अभी करेंगे फैसला, अभी नहीं किया है, क्योंकि नौ पार्लियामेंट क्षेत्रों में कर चुके हैं, एक पार्लियामेंट क्षेत्र बाकी है रोहतक, बाकी 9 पार्लियामेंट क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन जिले हेडक्वार्टर पे भी करेंगे, और भी करेंगे हम सभाएं भी करेंगे, जनसभाएं भी करेंगे, हल्कों में भी जाएंगे, जन मिलन भी करेंगे, हाथ से हाथ जोड़ते हैं वो भी करेंगे। लोकसभा में सर कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप हरियाणा में? अब की अच्छी सीटें आएंगी हमारी, 10 में से कितनी मेजोरिटी आएगी? फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.